इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। अख्तर शेरानी की लिखी ये पंक्तियां इस वक्त दिल्ली में हो रहे सबसे बड़े किसान आंदोलन के लिए सटीक बैठती हैं, क्योंकि इस आंदोलन में किसानों पर कई जुल्म किए गए, उन पर वाटर कैनन और आंसू बम का इस्तेमाल किया गया, यहां तक कि उन पर लाठियां बांधी गईं, लेकिन वो अपने मजबूत इरादों के साथ आंदोलन को जारी किए हुए हैं। ऐसा ही एक वाक्या 32 साल पहले राजधानी दिल्ली में हुआ था, जब इससे भी बड़े पैमाने पर किसानों ने प्रदर्शन किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी, मैं कुलदीप कुमार। हमारे देश में किसान हित की आड़ में बहुत से नेता राजनीति करते आए हैं, लेकिन उनके हित के लिए जो नेता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें शायद उंगलियों पर गिना जा सकता है। आज हम एक ऐसे ही नेता की बात करेंगे जिसने महज 8 साल की छोटी उम्र में एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बड़े से बड़े सत्ताधारी उनके पास खुद आते थे। एक ऐसा नेता जिसके हुक्के की एक गड़गड़ाहट से राजधानी दिल्ली का तख्तो ताज भी कांप जाता था। वह किसानों के हित के लिए सत्ताधारियों की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म मुजफ्फरनगर के कस्बा सिसौली में 6 अक्टूबर 1935 में एक किसान परिवार में हुआ। गांव की पाठशाला से कक्षा 7 तक की पढ़ाई की। पिता का नाम चौहल सिंह टिकैत और माता का नाम श्रीमती मुख्तियारी देवी था। चौधरी चौहल सिंह टिकैत बालियान खाप के चौधरी थे। 8 वर्ष की उम्र में ही पिता का साया सर से उड़ गया और अब बालियान खाप की जिम्मेदारी आ गई महेंद्र सिंह टिकैत के कंधों पर। सर्व खाप मंत्री चौधरी कबूल सिंह के सहयोग से चौधरी टिकैत ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। चौधरी टिकैत ने कई वर्षों तक बड़ी सर्व खाप पंचायतों में पूर्ण रूप से भागीदारी रखते हुए हमारे समाज को खोखला कर रही दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, दिखावा, नशाखोरी और भ्रूण हत्या आदि जैसी सामाजिक कुरीतियों बुराइयों पर नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 17 अक्टूबर 1986 को सिसौली में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जाति धर्म और खापों के चौधरियों, किसान व किसान नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही वह दिन था जब भारतीय किसान यूनियन यानी BKU का गठन की घोषणा की गई और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को सर्वसम्मति से इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 1 अप्रैल 1987 को बाबा टिकैत के नेतृत्व में बिजली की दरों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले मुजफ्फरनगर के खेड़ी कर्म गांव के बिजली घर का घेराव किया, जिसमें लगभग 3 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार को बिजली की दरें घटाने पर मजबूर होना पड़ा। इसी रैली के बाद किसानों में अपने अधिकारों की लड़ाई को लेकर जागरूकता बढ़नी शुरू हो गई। 11 अक्टूबर 1987 को सिसौली में संगठन की विशाल महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें 30 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। इस रैली में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह भी शामिल हुए। टिकैत के नेतृत्व में 27 जनवरी 1988 को मेरठ के आयुक्त का घेराव किया गया। यह घेराव 25 दिनों तक चला, जिसमें किसान शक्ति की अद्भुत क्षमता दिखाई पड़ी। संगठन की ओर से 6 से 23 मार्च 1988 तक रजबपुर सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। आज से 32 साल पहले यानी साल 1988 में अपनी 35 मांगों के साथ किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। उन मांगों में सिंचाई की दरें घटाने से लेकर फसल की उचित मूल को लेकर भी मांग रखी गई थी। इस धरने में टिकैत ने अपने संबोधन में कहा था, इंडिया वालों खबरदार, अब भारत दिल्ली में आ गया है। बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शन कर रहे थे और इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 2 किसानों की मौत भी हो गई थी। किसानों की मांग पर इस तरह की कार्रवाई से पुलिस की काफ़ी फजीहत भी हुई थी, मगर फिर भी सरकार किसानों के जुनून को रोक नहीं पाई। अंत में सरकार को किसानों की मांगों को मानना पड़ा, जिसके कारण इस कृषि आंदोलन को विराम दिया जा सका। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने अपना पूरा जीवन किसानों को समर्पित कर दिया। वो तकरीबन 20 बार जेल गए। उन्हें किसानों का दूसरा मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता था। उनकी एक आवाज़ पर लाखों किसान लठ लेकर तैयार खड़े रहते थे। 15 मई 2011 को 76 वर्ष की आयु में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वह आज भी हमारी यादों में जिंदा है। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज़ हिंदी।